नमस्कार राधे राधे। हमारे पास एक कुंडली आई हुई है, तो चलिए इस कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं। ये जो जातक हैं, इनका प्रश्न है शादी को लेकर के, प्रश्न है कि शादी कब तक होगी, और अभी एज जो है 32 वर्ष की इनकी आयु हो चुकी है। तो चलिए इनकी कुंडली में देखते हैं कि क्या बात है, इनकी शादी में इतना डिले कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, और शादी इनकी कब तक शादी के योग बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पर पहले सबसे हम देख लेते हैं कि ये जो जातक का जो लग्न है, इनका जो है तुला लग्न है और तुला राशि है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, इसलिए इनकी राशि भी जो है तुला राशि है और तुला लग्न है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले सबसे हम यहाँ पर देखेंगे पोजिशन। यहाँ पर जो दशा महादशा है, ये गुरु की दशा महादशा जो है चल रही है इस जातक के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर गुरु की पोजीशन तो बहुत अच्छी है। गुरु जो है 11वें भाव में विराजमान है, वो भी शुक्र के साथ विराजमान है। लेकिन यहाँ पर ये जो दिक्कत कर रहा है, यहाँ पर दिक्कत जो है मंगल महाराज कर रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पर कुंडली जो है वो मांगलिक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल है, मंगल यहाँ पर उच्च का होकर के बैठा हुआ है, शादी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। ऐसे जातकों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, सेल्फ डिसीजंस लेने वाले ऐसे जातक होते हैं, और माता पिता के प्रभाव में नहीं आते हैं, ऐसा है। और ऐसे जातक का अधिक से ज़्यादा जो है लव मैरिज का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि अष्टम भाव में यहाँ पर मंगल है। लेकिन अष्टम भाव में मंगल है, लेकिन वो अपना प्रभाव जो है संपूर्णता देता रहता है, ऐसा है। ठीक है, तो अभी गुरु की दशा महादशा चल रही है। यहाँ पर जो है जातक की यहाँ पर शादी का अगर देखा जाए, यहाँ पर चंद्रमा की पोजीशन सप्तमेश देखा जाए, तो सप्तमेश यहाँ पर लग्न से बिल्कुल सामने अगर देखा जाए, तो भी यहाँ पर मंगल की राशि पड़ी हुई है, और मंगल पे ही जो है चंद्रमा, ये चंद्रमा की 7वें भाव की दृष्टि भी आ रही है। तो इनको जो भी जो है इनकी लाइफ में जो भी जो है इनकी पत्नी आएंगी, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर रहने वाली हैं, और काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है धार्मिक स्वभाव की भी रहने वाली है। ऐसे जातकों को कुल मिला के जो पार्टनर होता है वो बहुत अच्छा मिलता है, और बिल्कुल चांद जैसी शक्ल वाला ऐसा पार्टनर मिलता है। ठीक है, और कुल मिला के यहाँ पर अगर जो है शादी का देखा जाए, तो शादी में अभी डिले रहने वाला है, फिर भी इनके शादी के योग जो है, तो शादी का योग यहाँ पर गुरु की दशा महादशा के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर इनकी शादी का योग 2026 तक का जो है, यहाँ पर संपूर्ण योग यहाँ पर शादी के देखने को मिल रहे हैं 2026 तक। ठीक है, तो 2026 से पहले ही इनके शादी के योग बन रहे हैं, 2025 में भी बन रहे हैं, क्योंकि गुरु और मंगल का एक साथ इनका जो है दशा महादशा में संयोग मिल रहा है। यहाँ पर देखने को संयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है गुरु के साथ मंगल का, अंतरदशा वगैरह इनकी चल रही है, जिसके अकॉर्डिंग जो है इनके योग बन रहे हैं 2026 तक का, शादी के योग बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, तो स्क्रीन पर यहाँ पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तो आप लोग भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, राधे राधे।